फिर कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी जो है अदिति, जो देवताओं की माता है, उन्होंने कश्यप ऋषि से प्रार्थना की, हमारे पुत्र देवताओं की सहायता करने वाला पुत्र प्रदान कीजिए। तो पयोव्रत का उपदेश किया कश्यप ऋषि ने। उस व्रत को करने से भगवान अदिति के पुत्र बनकर के प्रकट हुए। इसलिए जब जब भीड़ पड़ी भक्त पर, तब तब प्रभु अवतार लियो। जब जब भीड़ पड़ी भक्त पर, तब तब प्रभु अवतार लियो। अपने जन के साथ प्रभु जी दुष्ट जनों को तार लियो। अपने जन के साथ प्रभु जी दुष्ट जनों को तार लियो। अपने जन के साथ प्रभु जी दुष्ट जनों को भी तार दियो। अपने जन के साथ प्रभु जी दुष्ट जनों को तार दियो। घर घर जा जा पैदल चल चल, घर घर जा जा पैदल चल चल। गुरुदेव कृपा को क्या कहिए, क्या कहिए। घर घर जा जा पैदल चल चल, गुरुदेव कृपा को क्या कहिए, क्या कहिए। देखिए इस पंक्ति में दो बातें हैं, घर घर जा जा पैदल चल चल। आगे की लाइन है गुरुदेव कृपा को क्या कहिए, तो ये हमारे आचार्य चरण गुरुदेव महाराज का यशगान है कि अपने दासों के यहाँ पैदल चल चल करके जाते, सबके ऊपर कृपा बरसाते। और अभी तो बात हो रही तो वो ऐसे कृपा मूर्ति गुरु भगवान, उनकी कृपा से हमने यह जाना कि भगवान के चरित्र का रहस्य क्या है। तो जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, तब तब प्रभु अवतार लियो। अब इस बार देव माता अदिति ने चाहा था कि हमारे पुत्रों का मंगल करने के लिए पुत्र प्राप्त हो, तो कश्यप ऋषि ने कहा कि भगवान ने वरदान दिया था कि मैं आपका पुत्र बनूंगा, इसलिए तुम पयोव्रत करो, भगवान तुम्हारे पुत्र बनकर के अवतरित होंगे। देवताओं के ऊपर संकट आया था, देवता जा करके भगवान से प्रार्थना की, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा अभी दैत्यों के ऊपर उनके गुरु जी की कृपा है और तुमने अपने गुरु का अपराध किया है, तो तुम गुरु जी के क्रोध के भागी हो, अभी मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। जाओ, जब समय आएगा तब मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। हजारों वर्ष बीत गए, अब भगवान देव माता अदिति के और कश्यप ऋषि के सामने आए, कहा आपका पुत्र बन रहा हूं, आपने मांगा था, इसका रहस्य थोड़ी देर बाद और अथवा कल बताएंगे। भगवान ने कहा आपने मांगा था मेरे जैसा पुत्र चाहिए, तो मेरे जैसा कोई नहीं, इसलिए स्वयं मैं आपका पुत्र बन रहा हूं। लेकिन भगवान एक बार नहीं तीन बार पुत्र बने भगवान इनके। पहली बार बने थे कृष्ण और सुतपा थे तब, तो कृष्ण गर्भ नाम हुआ भगवान का। दूसरी बार कश्यप अदिति के पुत्र हुए तो भगवान का नाम वामन उपेंद्र हुआ। और तीसरी बार भगवान वसुदेव देवकी के पुत्र बने जब वासुदेव कहलाए, जिनका अवतार उत्सव मनाने के लिए आप सब यहाँ आज भारी संख्या में एकत्रित हुए हैं। आप सबका स्वागत अभिनंदन। भगवान के अवतारों की ही कथा आज चतुर्थ दिवस में है, सारे अवतारों की ही कथा सुन रहे हैं। लेकिन गुरुदेव भगवान की कृपा से अभ्यास ऐसा ही हो गया है कि भगवान के अवतार, भगवान की लीलाओं का रहस्य बताते हुए कथा सुनाई जाए। सो आपको हम केवल कथा कथा नहीं सुना पा रहे हैं,
और वैसे कथा सुनने में और सुनाने में आनंद भी नहीं आता जब तक किसी कथा का रहस्य उसका गूढ़ ज्ञान ना जान लें। तो भगवान कश्यप जी, कश्यप ऋषि और देव माता अदिति के पुत्र बनकर के प्रकट हुए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इन्हीं भगवान वामन ने 3 पग भूमि की याचना की थी और सारी त्रिलोकी को 2 पग में ही नाप लिया था। गुरुदेव, 2 पग में नापा था और 3 पग की याचना की थी। सुना जाता है कि राजा बलि 3rd पग भूमि का दान नहीं कर पाए थे, फिर लेकिन भगवान ने कृपा तो की। तो आप इसका रहस्य बताइए, इसके लिए पूरी कथा को सुनाइए। सुखदेव जी ने पूरी कथा को सुना दिया। भगवान ने वामन अवतार धारण करके 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि जैसे ही संकल्पित हुए 3 पग भूमि दान करने के लिए, भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए। शुक्राचार्य ने कहा कि अरे बलि, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये भगवान विष्णु है। वो जैसे ही उन्होंने कहा भगवान विष्णु, भगवान त्रिविक्रम बन गए और 1 पग से नीचे के सारे लोग, 2 पग से ऊपर के सारे लोग नाप लिए। और भगवान ने कहा, बलि तुमने संकल्प किया है 3 पग भूमि दान करने का, कैसे दान दाता हो, 2 पग से ज्यादा दे ही नहीं पा रहे हो। तुम तो कह रहे हो मैं त्रिलोकी का मालिक हूं, अयाचक बना दूंगा, बड़ा अभिमान था तुमको, 3rd पग पूरा करो नहीं तो नर्क जाना पड़ेगा। तब प्रहलाद आए, प्रहलाद ने बलि को समझाया, पोते हैं बलि प्रहलाद के, कहा तुम अपने ऐश्वर्य के अभिमान में भगवान से इस तरह की बात कर रहे हो, सब कुछ का मालिक हूं। अरे सब कुछ भगवान का है, थोड़े समय के लिए भगवान ने तुमको दे दिया, तुम अभिमान कर बैठे, सब दिया हुआ व्यर्थ है जब तक आत्मदान न करोगे, इसलिए आत्मदान कर दो, आत्मसमर्पण कर दो, भगवान की शरण हो। तब राजा बलि साष्टांग प्रणाम किए भगवान के चरणों में, कहा हे स्वामी, हे नाथ, अपना 3rd पग इस दास के शीश पर रख दीजिए। भगवान ने बलि के शीश पर अपना पग रखा। अब भगवान फिर बोले, ठीक है जाओ, तो मैं अभय प्रदान करता हूं, अभी तुम सुतल लोक में रहो, जब तक इस इंद्र का कार्यकाल शेष है, इस इंद्र का कार्यकाल पूरा होने के बाद तुम्हें इंद्र बनाया जाएगा, लोकपाल होकर के रहना, उसके बाद तुम्हें अपना धाम प्रदान करूंगा। जब तक सुतल लोक में हो तब तक उस लोक के सारे दरवाजों पर मैं तुम्हें दर्शन देता रहूंगा। तब तब प्रभु अवतार लिया और अपने जन के साथ प्रभु जी दुष्ट जनों को भी तार दियो। प्रहलाद अपने जन थे, दास थे, लेकिन जो दुष्ट भाव वाला था उसको भी भगवान ने तार दिया, राजा बलि को तार दिया। इस तरह से भगवान के अवतारों का प्रसंग सुना रहे हैं सुखदेव जी। भगवान के अनंत चरित्र हैं परीक्षित। भगवान ने वामन अवतार धारण करने के बाद फिर अन्य अवतार ग्रहण किए और उसके बाद भगवान ने सूर्य वंश में राम अवतार धारण किया था। महाराज दशरथ राजा हुए, पृथ्वी के ऊपर रावण, कुंभकर्ण और बड़े बड़े राक्षसों का संकट था, पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी का भार बहुत बढ़ गया था। पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई, हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर के समस्त देवताओं के साथ भगवान नारायण के पास गए। भगवान ने कहा, जाइए, मैं अवतार लूंगा और अवतार लेकर के पृथ्वी का भार भी उतार दूंगा और अनेक ऋषि मुनियों की इच्छा मुझे पूर्ण करनी है। भगवान श्री राम रूप में अवतरित हुए महाराज दशरथ के पुत्र बनकर के। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, श्री भरत भैया की, श्री लखन लाल की, श्री शत्रुघ्न लाल की। अपने अंश से भगवान जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय 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 श्रीमन्नारायण।